आज का पहला प्रश्न। सर, मैं पहले ध्यान करता था, ध्यान में मुझे कुछ अनुभव हुए, जैसे ध्यान में प्रकाश दिखना, परंतु मुझसे कुछ गलतियां हो गईं, जिससे वो अनुभव होना बंद हो गए। अब मैं फिर से वही अनुभव वापस पाना चाहता हूं, तो वो कैसे होगा? देखिए, ध्यान का अर्थ होता है कुछ न करना। जब आपके शरीर और मन के माध्यम से कुछ नहीं होता, ये शांत स्थिति में होते हैं, तब आपके भीतर कुछ अनुभव होना संभव है। परंतु ये अनुभव भी कहीं मन के भीतर के होते हैं, जो बस स्वतः हो जाते हैं। इनकी कोई ट्रिक्स या टेक्निक नहीं है। आपके मन का काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार से डेवलप है कि जैसे कुछ करने से ही होगा, और कुछ करने से होगा तो अधिक करने से अधिक होगा। तो आप ध्यान भी इसी नजरिए से देखते हैं, मतलब अगर आप ध्यान करेंगे तो कुछ होगा, और अधिक ध्यान करेंगे तो कुछ अधिक होगा। जो अनुभव कम ध्यान में थोड़े मिलते हैं, अधिक ध्यान में ज्यादा मिलेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। ध्यान के जिन अनुभवों को पाने के लिए आप बेचैन रहते हैं, वे सभी अनुभव आपके मन के द्वारा दिया जाने वाला धोखा है, क्योंकि मन खाली नहीं बैठ सकता, उसे कुछ करने को चाहिए ही चाहिए। कुछ नहीं तो केवल अनुभव मिल जाए, वही काफी है। जब आप ध्यान में गहरा उतरने लगते हैं और आपका ध्यान सध जाता है, मतलब एक ऐसी अवस्था जहां कुछ नहीं होता, कुछ करना ही नहीं होता, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते करते ऐसा हो जाता है, तो उसमें जो प्रकाश दिखता है, वह प्रकाश का अनुभव आपको धोखा देने के लिए ही होता है, ताकि आप उस प्रकाश में रस लेने लगें। आपको ब्रह्मांड दिखने लगता है, तो आप उस ब्रह्मांड को देखने लगते हैं। देखिए, जो आपको स्वतः ही दिखता है, उसे देखना गलत नहीं है, परंतु उसमें रस लेना, आनंदित होना, यह आपको वहीं रोकता है, क्योंकि यह तो शुरुआत भी नहीं है, आगे तो बहुत कुछ होने वाला है, परंतु आप इन छोटे मोटे अनुभव में अटक के रह जाते हैं। अरे भाई, अनुभव होता है तो ठीक, नहीं होता तो ठीक, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सभी अनुभव आत्मज्ञान या परमात्मा के नहीं है, वो तो सभी अनुभवों के पार है। आप इन एक एक दो दो कौड़ी के अनुभवों में फंस जाते हो, इसमें आनंद लेने लगते हो। क्या आपने कभी सोचा, आप संसार में जिन वस्तुओं पर, जिन चीजों पर इंटरेस्ट लेते हो, जिसमें आनंद लेते हो, वही आपका बंधन बनता है और वही दुख का कारण होता है। एक सुंदर स्त्री, आप उसमें रस लेते हो, उसे पाने की इच्छा करते हो, और उस स्त्री को पाने के बाद वही आपके दुखों का कारण बनती है। अगर दुख नहीं देगी तो बंधन का कारण बनेगी। ठीक ऐसे ही आपके सूक्ष्म अनुभव होते हैं जो आपको ध्यान में मिलते हैं। मन वो अनुभव आपको दिखाता है और आप उसकी चाल में फंस जाते हो, फिर से दोबारा वही चाहते हो जो आपके चाहने से नहीं होगा, बट स्वतः ही कभी भी हो सकता है। आपकी इच्छा ही आपकी रुकावट है, तो बस ध्यान में सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ते रहना है। किसी भी अनुभव से आपको सेटिस्फाई नहीं होना है। कुछ दिखे तो ठीक, नहीं दिखे तो भी ठीक। अगर ध्यान हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। जबरन ध्यान भी नहीं किया जा सकता। ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं, कितनी भी देर कर सकते हैं। जैसे मेरा ध्यान करने का कोई समय नहीं है, मेरा कभी भी ध्यान लग जाता है। तो एक बात जान लो, आध्यात्म जगत में कुछ करने से नहीं होता है, बल्कि कुछ नहीं करने से ही हो सकता है। परंतु आप कुछ नहीं करते तो आपका मन वह कहां मानने वाला है? वह तो आपकी परमिशन के बिना कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। आपको उसमें भी रस नहीं लेना है, करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। अगला प्रश्न। जब हमें आत्मज्ञान होता है और फिर हम वो नॉलेज बहुत बोल बोल कर दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो क्या इस तरह दूसरों को समझाने से आत्मज्ञान की प्रोसेस रुक जाती है? देखिए, आत्मज्ञान जब होता है तो हो जाता है, फिर आप वापस अज्ञानी नहीं बन सकते, क्योंकि आत्मज्ञान होने पर इतनी समझ भी आ जाती है कि आपको वो ज्ञान किसे देना है और किसे नहीं देना है। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति बस यूं ही ज्ञान बांटता फिरता नहीं रहता, और जो यूं ही ज्ञान बांटता फिरता रहता है, तो समझो उसे आत्मज्ञान हुआ ही नहीं है। एक मूर्ख व्यक्ति ही बिना वजह ऐसे ही आत्मज्ञान की बातें समझाता फिरता रहता है। आत्मज्ञान होने पर आपको इतनी समझ आ जाती है कि किसी भी व्यक्ति का ऑरा देखकर आप उसके भीतर की सभी संभावनाएं जान लेते हैं, और आप उसी की सहायता करते हैं जिसे सच में उसकी आवश्यकता है। और आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आप किसी को आत्मज्ञान दे सकते हो। आप केवल मार्गदर्शन दे सकते हो, वो भी किसी किसी को जिसमें वो पात्रता है।
हाँ, आत्मज्ञान के मार्ग पर जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होता, उस प्रोसेस में आपको शुरुआती चरण में बहुत सी चीजों की जानकारी मिलने लगती है। आपके बहुत सारे जटिल सवालों के जवाब आप स्वयं जान जाते हैं, परंतु उतने से में ही आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान जब होता है तो सब कुछ गिर जाता है, फिर कोई प्रश्न नहीं रहता और आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं रहता। आप सभी ज्ञान जानकारी नॉलेज से पार निकल जाते हो, जानने को कुछ शेष ही नहीं रहता। परंतु आत्मज्ञान होने से पहले उस प्रोसेस के दौरान अगर आपका अहंकार बड़ा होने लगे तब वह प्रोसेस रुक जाता है। आपका इतना मानना कि मैं जानता हूं, मुझे ज्ञान हो रहा है, बस यही समझो आपका प्रोसेस रुक गया। मैं कुछ जानता हूं, यह आपका सबसे बड़ा ज्ञान है। और जब कहीं आपके भीतर से यह एहसास हो, ऐसा अनुभव हो कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं पता, तब समझो आपने अपना पात्र खाली करना शुरू कर दिया है। और जब पात्र खाली होगा तो वह स्वतः ही भरने लगेगा। आपका वह परम गुरु, वह आत्मा, उस पात्र में वो सब कुछ भरेगा जो एक आत्मज्ञानी के पास होना चाहिए। आखिरी प्रश्न, सर जब आत्मा अमर है, ना ही इसे बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, तो जब आत्मा अमर है, ना इसे बना सकते ना ही इसे मिटा सकते, तो हमारी पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, हर व्यक्ति की आत्मा अलग अलग नहीं बल्कि ये एक परम ऊर्जा है जो इस पूरे जगत को संचालित करती है। बात अगर पॉपुलेशन की करें तो ऊर्जा के बारे में एक सिद्धांत तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी चीज को नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप आत्मा के बारे में जानते होंगे, कोई भी चीज केवल फॉर्म बदलती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और यह प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। अगर इस पृथ्वी पर आप देखते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो आपने दूसरी ओर गौर नहीं किया कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, या कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अस्तित्व में नहीं है। तो वहां से ऊर्जा निकली होगी तो उसने कुछ तो फॉर्म ली होगी, वह मनुष्य की फॉर्म भी ले सकती है। किसी समय पर इस पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, परंतु पेड़ों की कटाई लगातार चलती जा रही है। इंसान अपनी सुविधाओं के लिए पेड़ों को काटता जा रहा है, तो पेड़ भी जब तक जीवित रह सकता है जब तक उसमें ऊर्जा है, और यह ऊर्जा वही ऊर्जा है जिसे मैं परम ऊर्जा कहता हूं, जो सबको जीवन देती है। वही ऊर्जा आप में भी है, बस चेतना का विस्तार कम या ज्यादा होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी वायर है जिसमें ऊर्जा दौड़ रही है, बिजली का प्रभाव चालू है। आप उस बिजली के वायर में एक बल्ब को जोड़कर उसे जला सकते हैं, वह बल्ब जल उठता है, रोशनी देता है। उसी वायर में आप दूसरा उपकरण जोड़ सकते हैं, जैसे आप उसमें इलेक्ट्रिक फैन को जोड़ दें तब वह पंखा चलने लगेगा। इसी प्रकार से कुछ और उपकरण, आयरन, एसी जैसी चीजें। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ऊर्जा एक ही है, परंतु उस ऊर्जा के माध्यम से जो चीजें उसमें जुड़ी वे अपनी प्रकृति के हिसाब से काम कर रही हैं। पंखा घूमता है जो आपको हवा देता है, बल्ब जलने के बाद रोशनी देता है, मतलब ऊर्जा एक ही है परंतु उसका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। ऐसे ही हम इसे अपने जीवन से जोड़कर देख सकते हैं। ऊर्जा एक ही है जिसे हम परम ऊर्जा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, या फिर आत्मा कहते हैं। इस ऊर्जा में हमारा शरीर जुड़ा तो यह शरीर संचालित हो गया। अब इस शरीर की जो प्रवृत्ति है ये उस हिसाब से काम करता है जो इसका स्वभाव है, वैसे चलता है। पेड़ पौधे जुड़े तो पेड़ पौधे जीवित हैं, वे अपने स्वभाव के हिसाब से चल रहे हैं। ऐसे ही पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु, कीट पतंगे, इन सब में भी वही ऊर्जा है, ये अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। तो जब एक उपकरण गिरता है तो वह उपकरण किसी दूसरी फॉर्म में आ जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के साथ चल रहा है। अगर मनुष्य इस पृथ्वी से कुछ कम करने का प्रयास करता है, किसी जीव जंतु को मारता है, या जिस प्रकार पेड़ों की कटाई हो रही है, उसी प्रकार ऊर्जा रूपांतरित होते हुए मनुष्य की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और याद रखना, प्रकृति अपना हिसाब जानती है। कोई भी चीज एक समय सीमा तक बढ़ती है, फिर उसके बाद प्रकृति को उसे बैलेंस करना ही होता है। प्रकृति कभी कुछ गलत नहीं करती। आप जिन्हें प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, असल में वो बहुत जरूरी है। अगर वो सब कुछ नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन खतरे में आ जाएगा। और अब मनुष्य की पॉपुलेशन पीक पर है, और शायद आप नहीं जानते कि इस पृथ्वी पर भारी बदलाव होने का समय आ गया है। इस बात का जिक्र
मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में भी करा है कि अब भारी परिवर्तन का समय है और वह परिवर्तन होके ही रहेगा। आप जो अपने आसपास माहौल देख रहे हैं, जो युद्ध का वातावरण देख रहे हैं, वह सब कुछ आप नहीं कर रहे, ये सब कुछ प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। नियति ने जो तय कर रखा है वह होकर ही रहेगा। और एक अच्छी या बुरी बात, आप इसे कैसे भी ले सकते हैं, हम सब इस भारी परिवर्तन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो बस आज के लिए कुछ यही सवाल थे। बाकी कुछ और भी सवाल आए हैं जो मुझे अर्थपूर्ण नहीं लगे, मतलब सवाल कुछ बचकाना थे, समय आने पर उनका उत्तर आपको स्वयं से ही मिल जाएगा।